क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव की खेल को जानते थे इसलिए वो पटना नहीं आए? क्या लालू प्रसाद यादव ने जब से तेज प्रताप की बड़ाई की है तब से वो फुल कॉन्फिडेंस में है? क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी से हटकर एक नई सियासत कर रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। ये हम इसलिए आपको ऐसा बता रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव इन दिनों अलग रुख अपनाए हुए हैं। आपने देखा किस तरह से लालू प्रसाद यादव यानी कि सेकेंड लालू के नाम से तेज प्रताप यादव ने एक पेज बना रखी है जिसमें वो लाइव आते हैं और बातचीत करते हैं कार्यकर्ताओं से, लोगों से वो बात करते हैं। दूसरी तरफ कल राजद का विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला था। सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस विशाल धरना प्रदर्शन में आएंगे, वो इस धरना प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच होंगे, तो कार्यकर्ताओं में एक अलग सा ऊर्जा देखने को मिलेगा, अलग सा जोश देखने को मिलेगा। लेकिन इन कयासों पे विराम तब लग गया जब तेजस्वी यादव कल दिल्ली से पटना आए ही नहीं, और इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव की नई खेल को तेजस्वी यादव जानते थे इसलिए वो पटना नहीं आए। क्योंकि दूसरी तरफ आपको पता है आज रविवार है और आज युवा राजद की छात्र की जो बैठक होने वाली है यानी कि छात्र बैठक होने वाला है, और इसके लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ी सी होर्डिंग में ये बताया गया है कि आज छात्र की बैठक होने वाली है। और सबसे खास और जो चर्चा का विषय है कि तेजस्वी यादव को उस पोस्टर में तेज प्रताप यादव ने आउट कर दिया है, यानी कि तेज प्रताप यादव की एक बड़ी तस्वीर है, साथ ही साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीर है, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, और आज और एक राजद के छात्र नेता की भी तस्वीर उसमें दिख रही है। लेकिन तेजस्वी यादव उस पूरे पोस्टर से आउट दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अलग सियासी जो बात हो रही है, सियासत नई सियासत की बात हो रही है, वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कोरोना की दूसरी लहर में, याद कीजिए, उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया था, अस्पतालों में जायजा लिया था कि कोविड से जो मरीज हैं वो क्या परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये संकेत भी थे कि तेजस्वी यादव को एक मैसेज भी था कि अगर तेज प्रताप यादव कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में घूम सकते हैं तो आखिर तेजस्वी क्यों नहीं। हालांकि इस पूरे दौर में तेजस्वी यादव कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में बैठे हुए थे, सवाल उठ रहे थे कि विपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं विपक्ष की पार्टियों से, लेकिन तेजस्वी यादव पटना में क्यों नहीं है, क्यों पटना में दूसरी लहर के दौरान तेजस्वी यादव गायब है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और आपको बता दें कि जब तेज प्रताप यादव ने सेकंड लालू के नाम से एक पेज बनाया है तो उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। वो कहते हैं, पिछले दिनों याद कीजिए जब स्थापना दिवस था, राजद का 25वां स्थापना दिवस था, तो तेज प्रताप यादव ने खुले मंच से जो तंज कसा था कि उन्हें आगे पार्टी में नहीं आगे आने दिया जाता है क्योंकि कहीं तेज प्रताप स्टार ना बन जाए, तेज प्रताप ने जगदा बाबू को भी खूब सुनाया था। लेकिन बात हो रही है कि आखिर तेज प्रताप यादव क्या तेजस्वी से हट करके एक नई सियासत कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण कल का है जो हम आपको बता रहे थे, बिहार में देखिए पोस्टर की जो सियासत है वो चलते आ रही है, लेकिन इस पोस्टर वॉर में इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा परिवार इस चपेट में आ गया है क्योंकि उस बड़े होर्डिंग में लगे पोस्टर में तेज प्रताप यादव की बड़ी तस्वीर, लेकिन तेजस्वी यादव को उस पोस्टर से आउट कर दिया गया है। तो सवाल इसलिए भी है क्योंकि क्या तेज प्रताप यादव की इस पूरी खेल को तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे बैठे जानते थे इसलिए वो पटना नहीं आए? क्योंकि रीतलाल यादव की बयान आपको याद होगी, जब हमारे सहयोगी ने रीतलाल यादव से कल बात की, उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, सवाल था कि क्या तेजस्वी यादव इस विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। रीतलाल यादव ने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था कि इंतजार कीजिए, ये मत कहिए कि तेजस्वी यादव नहीं आएंगे, अभी लंबा समय पड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आएंगे और वो शामिल होंगे, ऐसा रीतलाल यादव का कहना था जो दानापुर से विधायक है। लेकिन कुल मिलाकर हुआ क्या,
हुआ ये कि कल विशाल धरना प्रदर्शन में जगदानंद सिंह जो राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता इनकम टैक्स गोलंबर पर बैठ गए। पटना पुलिस ने उन्हें बैरिकेड करके वहां रोक दिया, बस इसलिए क्योंकि वो धरना स्थल नहीं था। जगदानंद सिंह ने कहा कि जब तक हमारे कुछ प्रतिनिधि जाकर के डीएम चंद्रशेखर सिंह को एक ज्ञापन नहीं सौंप देते तब तक हम लोग यहां से नहीं उठेंगे, और लंबे समय तक करीब आधा घंटा या एक घंटा के लमसम पूरे जो कार्यकर्ता थे वो इनकम टैक्स गोलंबर पर बैठे रहे। बाद में जब पता चला कि ज्ञापन सौंप दिया गया है तो पूरे कार्यकर्ता यहां से उठे। तो कुल मिलाकर के हम जो आपको बात बता रहे हैं और जो खबर से रूबरू करा रहे हैं वो ये है कि क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से हटकर बिहार की राजनीति कर रहे हैं, बिहार की सियासत कर रहे हैं। और एक बड़ा उदाहरण तब मिला है जब राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर उस बड़ी होर्डिंग में तेजस्वी यादव को आउट कर दिया गया है। चलिए देखना है अब आगे आने वाले समय में क्या सच में तेज प्रताप यादव अलग सियासत कर रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा, या फिर राजद के अंदर सब ठीक चल रहा है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।